जो महफिल मेरे सामने है, कोशिश करूंगा कि अपनी गजलों से मुतमईन कर सकूं आपको। हेलो, खबर उसको न हो और दर्द का पहलू बदल जाए। खबर उसको न हो और दर्द का पहलू बदल जाए। हंसूं इतना कि जितना गम है आंखों से निकल जाए। खबर उसको ना हो और दर्द का पहलू बदल जाए। हंसूं इतना कि जितना गम है आंखों से निकल जाए। चार मिसरे बड़े हसीन रखने जा रहा हूं। अब्बास भाई खबरदार हो जाइए कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। अदा भाई होठों पे मोहब्बत के बोल लो मैंने पहले ही कहा ना खबरदार हो जाइए। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते। चलो किसी बहाने तो आए। सलीम भाई के बहाने आए, असीम का काम हो गया। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। अहबाब भी गैरों की अदा सीख गए हैं। आते हैं मगर दिल को दुखाने नहीं आते। आते हैं दिल को दुखाने नहीं आते। मैं अहले महफिल से तवज्जो चाहूंगा गजल के मतले पर, तमाम हाजरीन से। और दूल्हे साहब, दोनों दूल्हे साहब हमारे इरशाद भाई और फवाद भाई, इस गजल का टूटा फूटा कंपोज मैंने किया है। अल्ताफ भाई जरा देखना। करो एहसास करो एहसास वो अंदर
से कितना टूट जाता है। तशरीफ लाए मेहमानों से भी तवज्जो चाहूंगा, मेरे भाई वसीम इकबाल से भी तवज्जो मतले पर, जनाब खुद वडोली वाले और माशाल्लाह इस महफिल में तुड़ील से भी जितने मेहमान तशरीफ रखते हैं, मैं बिलखुसूस तवज्जो मतले पर करो ऐसा। बेटा जरा थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं मुखातिब हो सकूं। खलील भाई करो मोहब्बत में किसी का जब, मोहब्बत में किसी का जब भरोसा टूट जाता है, मोहब्बत में किसी का जब भरोसा टूट जाता है, मोहब्बत में किसी का जब भरोसा लग जाए तो शीशा टूट जाता।
महफिल को दे रहा हूँ, और बिलखसूस मेरे भाई अब्बास भाई टेम्पाला वाले साहब, मुख्तार भाई टेम्पाला वाले, हमारे मुख्तार भाई वडोली वाले कहाँ गए, चले गए। जाकिर भाई शेर सुनना भाईजान, नौशा साहब तुम्हारी, मेरे भाई असलम भाई से भी तवज्जो इस शेर पर, तुम्हारी याद के नश्तर, आए हाय, तुम्हारी याद के नश्तर जब आकर दिल पे लगते हैं, तुम्हारी याद के नश्तर जब आकर दिल पे लगते हैं, और तुम्हारी याद के नश्तर जब आकर दिल पे लगते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, हमारे जख्म का एक, हमारे जख्म का एक टांका टूट तशरीफ लाए हैं, और ये हम फनकारों के लिए भी खुशी की बात है कि आपने अपना वक्त हमें दिया। मानिक साहब, बड़े अरसे बाद आज देख रहा हूं मैं आपको, और अल्ताफ भाई ये शेर अहले महफिल की नजर करने जा रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। सुनेंगे और खाकसार से भी सुनेंगे, खैर, लेकिन ये जो शेर पढ़ रहा हूं
इसमें मेरी जिंदगी है। अहले महफिल से अहले समझ से तवज्जो चाहूंगा और मेहमान खुसूसी मानिक जगपाल साहब से भी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। भैया पहले जगह बना लें आप लोग, उसके बाद शेर पढ़ूंगा मैं, क्योंकि गजल के बहुत अच्छे अच्छे शेर आप सुनेंगे, ठीक है, लेकिन ये शेर मजबूत रहता है, मजबूत रहता है, लेकिन लेकिन जवा बेटे की एक छिड़की, जवा बेटे की एक छिड़की से बूढ़ा लगा रहा हूं। खलील भाई, दर्द से आहों से गम से दिल लगाना आ गया। उमर साहब, गजल का कसल तो ला दूंगे। दर्द से जमाने भर की सहकर सख्तियां मजबूत रहता है, जवां बेटे की एक झिड़की से बूढ़ा टूट जाता है। दर्द से आहों से गम से दिल लगाना आ गया, हमको रोते रोते आखिर मुस्कुराना आ गया। दर्द से आहों से गम से दिल लगाना आ गया, हमको रोते रोते आखिर मुस्कुराना आ गया। आया जब सहरा तो रहबर ने वही आवाज दी, जो सदाकत वाले हैं उनका ठिकाना आ गया। आ गया, आया जब सहरा तो रहबर ने वही आवाज दी, जो सदाकत वाले हैं उनका ठिकाना आ गया। और रोटियों के साथ झिड़की भी रिकाबी में मिली, जब मेरे बेटे को दो पैसे कमाना आ गया। जवां बेटे
सुना अल्ता भाई, 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 भाई। यूं गिर कर आंख से मोती बिखर जाते हैं दामन पर, तो लफ्ज़े आंसू भी रख सकता था, यूं गिरकर आंख से आंसू बिखर जाते हैं दामन पर, लेकिन लफ्ज़े मोती से मैंने फायदा उठाया है। तवज्जो फरमाए, यूं गिरकर आंख से मोती बिखर जाते हैं दामन पर, कब कब हमारे जब्त का जिस वक्त, हमारे जब्त का जिस वक्त धागा टूट जाता है, बैठिए आप बैठिए, मैं आपको खड़ा नहीं रखूंगा, मगर चार मिसरे आपके लिए, दो मिसरे पता नहीं किन शायर के हैं मुझे मालूम नहीं है, मगर अच्छा लगा। पहले दो मिसरे आप सुन लें कि वो गम जो तूने दिए हैं कभी भुला ना सके। मालिक साहब, ये दो मिसरे आपके लिए नहीं है, वही तो कह रहा हूं यार। अल्ता भाई यार, मैं समझता हूँ, तुम्हारी आगे बढ़ता हूँ, नहीं नहीं ये दो मिसरे उनके लिए नहीं, मानिक भाई के लिए नहीं, मानिक जगताप साहब के लिए नहीं, उसके बाद तो दो मिसरे बोलो आप। अरे यहाँ सब समझदार बैठे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मानिक साहब, वो गम जो तूने दिए हैं कभी भुला ना सके, कि तेरे बाद कभी खुल के मुस्कुरा ना सके, कि तेरे बाद कभी खुल के मुस्कुरा ना सके। मानिक साहब, तू अपने जर्फ का ऐसा चराग रोशन कर कि गर्दिशों की हवा भी उसे बुझा ना सके। दोबारा बढ़ रहा हूं कि वो गम जो तूने दिए हैं कभी भुला न सके, कि तेरे बाद कभी खुल के मुस्कुरा न सके, तू अपने सर्फ का ऐसा चराग रोशन कर कि गर्दिशों की हवा भी उसे बुझा न सके।
समाप्त करें और अब माजरत के साथ कि मैंने अभी इस गजल का मुक्ता नहीं कहा, मगर सुना दिया मैंने आपको, आखिरी शेर समाप्त करें। मुसद्दिक भाई, बड़ा हार्ड नाम है। हमारा अशरफ, हमारा दिल, अल्ताप शेर सुना, हमारा दिल हमें वापस वो करके इस तरह बोले, ना घबरा है अकाब, ये जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा है, चार मिसरे मैं भी पढ़ देता हूं। उनको जो हम पे बिजली गिराने का शौक था, उनको जो हम पे बिजली गिराने का शौक था, हमको भी आशियाने बनाने का शौक था। उनको जो हम पे बिजली गिराने का शौक था, हमको भी आशियाने बनाने का शौक था। मैं पहले बता दूं कि ये जो दो मिसरे हैं अब पढ़ने वाला हूं, ये मानिक साहब के लिए नहीं है, मगर एक बड़े बड़े अच्छे मिसरे हैं। उनको जो हम पे बिजली गिराने का शौक था, हमको भी आशियाने बनाने का शौक था। मालिक साहब नीचे गिरा तो उसको जमीन तक नहीं मिली, जिसको बहुत बुलंदी पे जाने का शौक था। नीचे गिरा तो उसको जमीन तक नहीं मिली, जिसको बहुत बुलंदी पे जाने का शौक था। मोहब्बत में किसी का